जिलाधिकारी आशीष भंडगाई ने शनिवार को एक साथ कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालयों से नदारद अधिकारियों तथा कर्मचारियों से स्पष्टीकरण भी तलब किया है। साथ ही कार्यालयों में सफाई का ध्यान रखने, निष्प्रयोज्य सामग्री को हटाने के भी निर्देश दिए गए। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उद्योग विभाग, जल निगम, होम्योपैथी, आयुर्वेद सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया। जल निगम के 4 कर्मचारी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के उपरांत कार्यालय से नदारद थे, जबकि उद्योग विभाग के महाप्रबंधक सहित 3 कर्मचारी नदारद थे। कार्यालयों से गायब सभी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि कार्यालयों में व्यवस्था बहाल की जानी जरूरी है, अन्यथा कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्देश दिए हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे भविष्य में, और उनके निर्देशों का 100% अनुपालन किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने निष्प्रयोज वाहनों के लिए कहा, उसके लिए आरटीओ को लिखा जाएगा कि इसकी कीमत लगा दे, उसके बाद इनकी नीलामी कर दी जाएगी। जो कबाड़ मटेरियल अंदर पड़ा हुआ है उसके लिए भी जो है वो कबाड़ी की व्यवस्था करके उसका भी कबाड़ भी निस्तारण कर दिया जाएगा। बाकी लोगों को ड्रेस में रहने के लिए कहा गया है, बहुत अच्छा सुझाव था सर का, सब ड्रेस में रहे। ऐसा तो कोई उपकरण नहीं है हमारे पास जिसकी उपयोगिता नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे कि फील्ड में ILR जाते हैं और वहाँ कोई ILR खराब हो गया तो यहाँ से रिप्लेस करके दूसरा तुरंत भेजना पड़ता है, कि वैक्सीन की बात होती है। निष्प्रयोज नहीं है वो, जो डीप फ्रीज था और वो फोटोस्टेट, हाँ वो तो उसमें जाएगा, निष्प्रयोज में जाएगा ना, NHM को भेज दिया जाएगा कि भाई आपके वो है, वो उसका निस्तारण NHM करेगा। आकस्मिक रूप से आज CMA ऑफिस का इंस्पेक्शन किया गया है, तो एक तो साफ सफाई और जितने भी यहाँ पे निष्प्रयोज्य वाहन खड़े हैं उनका भी नियमानुसार डिस्पोजल करने का, और जो इनकी फाइलें हैं जिनका वीडिंग हो सकता है एज पर रूल, उनको भी करने को बोला गया है। साथ ही साथ प्रोग्रेस का भी यहाँ पर देखा गया है, जो भी हमारे फ्लैगशिप कार्यक्रम है NHM के अंतर्गत और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं उन सब कार्यक्रमों में भी अच्छी प्रोग्रेस के लिए इनको निर्देशित किया गया है। और जो हमारा, क्योंकि कपकोट ब्लॉक हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है और हमारे 20 पॉइंट्स के अंतर्गत भी जो भी हमारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं उनके बारे में भी प्रगति करने के लिए, और जिन भी पैरामीटर्स में हम लोग बी श्रेणी में या सी श्रेणी में हैं उन सब में ए श्रेणी प्राप्त करने के लिए, जैसे हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो गया, और भी हमारा IMR MMR कई सारे जो मानक हमारे होते हैं उनमें परफॉर्मेंस को सुधार करने के लिए निर्देशित किया गया। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।